पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुआ छेड़छाड़ का ये मामला थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जांच के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई ले जा रही है। छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी जा पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षियों की ओर से आरक्षण को लेकर झूठ बोलने का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलता। पोर्श कार हादसे मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि पुलिस आयुक्त को निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। दरअसल इस सड़क हादसे में दो लोग, एक लड़की और एक लड़के की मौत हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के पूर्व सचिव रमेश अभिषेक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनके परिसरों पर छापेमारी की, जिसकी जानकारी ऑफिशियली सूत्रों ने दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा है। जमीन घोटाले में आरोपी हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। उनकी अंतरिम जमानत पर कोर्ट कल एक बार फिर विचार करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा नेता व्यवसायी हैं और 4 जून के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाने चाहिए। शिवसेना के 62 वर्षीय पोलिंग बूथ एजेंट मनोहर नलगे मुंबई के वर्ली इलाके में एक पोलिंग बूथ के शौचालय के अंदर मृत पाए गए। मुंबई की एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एडीआर में मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच जारी है। जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमार स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एचडी कुमार स्वामी ने अपने भतीजे और पार्टी नेता प्रज्वल रेवन्ना से भारत वापस आने के साथ साथ जांच का सामना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कैबिनेट में फेरबदल की योजना नहीं है, और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलेंगी। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई 5 गारंटी चुनाव के बाद बंद कर दी जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अमीन पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले उनके ऊपर 2 मुकदमे चले, इसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा, और अब वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अमीन पठान के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलवाया है।